तो बच्चे लोग अभी आज का चैप्टर जो है वो सेल एंड सेल ऑर्गेनल्स है। 10th चैप्टर है साइंस का, महाराष्ट्र बोर्ड, ठीक है, 8th स्टैंडर्ड का। तो प्रॉपरली मैं उसको एक्सप्लेन करूँगा हिंदी में, उसके साथ में दूसरा वीडियो भी आपको मिल जाएगा, लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में। उस चैप्टर का पूरा एक्सरसाइज उसके अंदर हम सॉल्व करेंगे, तो वो भी आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। पहले हम लोग ये वीडियो में पूरा एक्सरसाइज देख लेते हैं, कैसे उसको पूरा सब चीज़ देख लेते हैं हिंदी में, अच्छे से एक्सप्लेन कर देता हूँ मैं आप लोगों को। उसके बाद में आप दूसरा वीडियो भी देख लेना एक्सरसाइज वाला, जिसमें प्रॉपरली एक्सप्लेन किया है क्वेश्चन आंसर्स को। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 10th चैप्टर है हमारा, जो कि है सेल एंड सेल ऑर्गेनल्स, ठीक है। तो अभी हम लोग बेसिकली पूरा चैप्टर के बारे में पढ़ते हैं अच्छे से, ठीक है। तो पहला क्या दिया गया है कि स्ट्रक्चर ऑफ द सेल, तो ये आपको बेस पता होना चाहिए नॉर्मली कि सेल का स्ट्रक्चर क्या क्या है। अगर नहीं पता है तो हम लोग क्लियर आउट कर लेते हैं, ठीक है। तो इसके लिए मैं आपको 1 मिनट खोल के इधर पे बता देता हूँ मैं, ये देखिए। तो बेसिकली ये जो पार्ट है हमारा, ये इसे हम लोग क्या बोलते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद में ये जो हमारा लेयर है, ठीक है, सेल के सराउंडिंग जो लेयर है, ये इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेल वॉल, ठीक है। ये प्लांट का सेल है बेसिकली, ठीक है। तो उसको सेल वॉल रहता है, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे हम लोग जाएंगे, ये देखिए, ये हमारा जो है ये न्यूक्लियस है, ठीक है, ये न्यूक्लियस, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे हम लोग जाएंगे, ये देखिए, ये जो है ये बेसिकली जो अंदर लिक्विड प्रेजेंट है उसको हम लोग बोलते हैं साइटोप्लाज्म। उसके बाद में ये जो है ये पार्ट है हमारा, वो है गॉल्गी कॉम्प्लेक्स। देन ये जो यहाँ पे इतना बड़ा सा है बेसिकली, तो इसको बोलते हैं हम लोग लार्ज सेंट्रल वैक्यूल्स। देन ये जो हमारा है यहाँ पे, इसको हम लोग क्लोरोप्लास्ट बोलेंगे। देन ये जो है यहाँ यहाँ पे एकदम बेसिकली थोड़ा सा नॉर्मल टाइप में, यहाँ ये इसको सेल मेम्ब्रेन बोलेंगे हम लोग ये पार्ट को। एंड ये जो हमारा है ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ठीक है। तो ये हो गया। उसके बाद में ये हमारा नॉर्मल सेल एनिमल सेल्स है। एनिमल सेल में हम लोग इसको प्रोकैरियोटिक वेसिकल्स बोलेंगे। ये हमारा माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, ये हमारा न्यूक्लियस हो गया, ये हमारा न्यूक्लियस पूरा प्रॉपर न्यूक्लियोलस है, ये हमारा ये न्यूक्लियस हो गया प्रॉपर, ये हमारा सेल मेम्ब्रेन है ये। उसके बाद में ये वेसिकल्स हो गए छोटे छोटे, ये हमारा गॉल्जी कॉम्प्लेक्स हो गया, ठीक है, और ये हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया। तो बेसिकली ये नॉर्मल था, आप लोगों को पता ही होगा। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं नॉर्मली आगे, तो इसको भी हम लोग देख लेते हैं, ये एक्सरसाइज को भी देख लेते हैं हम लोग बेसिकली। तो इसमें क्या बोला गया, कंपोनेंट एनिमल सेल और प्लांट सेल में क्या क्या चीज़ें प्रेजेंट रहती है, ठीक है। तो हमें देखना है कि क्या क्या प्रेजेंट रहता है, क्या क्या नहीं प्रेजेंट रहता है, तो ठीक है वो भी देख लेते हैं हम लोग। तो ये देखिए कंप्लीट द चार्ट, ठीक है। उसमें क्या क्या दिया, सेल मेम्ब्रेन एनिमल सेल में प्रेजेंट रहता है, प्लांट सेल में भी प्रेजेंट रहता है। सेल वॉल, सेल वॉल जो है मैंने आपको पहले बताया था कि प्लांट सेल में सेल वॉल जो है प्रेजेंट रहता है और एनिमल सेल में जो सेल वॉल है वो एब्सेंट रहता है, ठीक है। अभी उसके बाद में क्या चीज़ है जो दोनों इस एनिमल सेल में प्रेजेंट रहती है और प्लांट सेल में एब्सेंट रहती है, तो वो है हमारा लाइजोजोम, ठीक है। लाइजोजोम जो है वो एनिमल सेल में प्रेजेंट रहता है और प्लांट सेल में एब्सेंट रहता है। उसके बाद है प्लास्टिड, प्लास्टिड जो है एनिमल सेल में जो हमारा रहता है वो एब्सेंट रहता है और प्लांट सेल में प्रेजेंट रहता है, ठीक है। उसके बाद में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो एनिमल सेल में प्रेजेंट रहता है और प्लांट सेल में भी प्रेजेंट रहता है। उसके बाद में नेक्स्ट है हमारा वैक्यूल्स, वैक्यूल्स भी जो है एनिमल सेल में प्रेजेंट रहता है और प्लांट सेल में प्रेजेंट रहता है। गॉल्गी कॉम्प्लेक्स दोनों में प्रेजेंट रहता है, एनिमल सेल में भी और प्लांट सेल में भी, और माइटोकॉन्ड्रिया तो ऑब्वियसली प्रेजेंट होगा भी, होगा ही प्रेजेंट इसमें एनिमल सेल्स में और प्लांट सेल में, ठीक है। तो हम लोग ने इसको कवर कर लिया। अभी प्रॉपर हम अपना चैप्टर के उसमें जाते हैं, प्रॉपरली उसको देखते हैं, ठीक है। तो पहले क्या दिया है, ये कंपोनेंट ऑफ अ सेल, तो सेल के अंदर कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं वो हम लोग देख लेते हैं। तो फर्स्ट है सेल वॉल, ठीक है। तो इसमें क्या दिया गया कि इट इज़ फाउंड अराउंड सेल्स ऑफ एल्गे, फंगी एंड प्लांट्स।
तो ये कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट, मतलब किस किस में पाया जाता है, एल्गे में, फंगी में, प्लांट्स में, ठीक है। एनिमल सेल लैक सेल वॉल, एनिमल सेल्स जो होते हैं जैसे ह्यूमन के सेल हो गए, एनिमल्स के कोई सेल हो गए मैमल्स के, उनमें सेल वॉल नहीं प्रेजेंट रहता है, ठीक है। उसके बाद में सेल वॉल इज अ इलास्टिक एंड स्ट्रॉन्ग कोट अराउंड द सेल मेम्ब्रेन। तो बेसिकली क्या होता है कि सेल मेम्ब्रेन रहता है, सेल मेम्ब्रेन के ऊपर एक इलास्टिक और स्ट्रॉन्ग कोट रहता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेल वॉल बोलते हैं। और ये इट इज मेनली कंपोज ऑफ कार्बोहाइड्रेट लाइक सेलुलोज एंड पेक्टिन। तो ये किससे कंपोज होता है, किससे बना होता है, ये सेलुलोज से बना होता है ये, और पेक्टिन से बना होता है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान रखिए किससे बना होता है हमारा सेल वॉल, सेलुलोज से बना होता है और पेक्टिन से बना होता है, ठीक है। उसके बाद में आफ्टरवर्ड्स पॉलीमर्स लाइक लिग्निन, सबमरीन, क्यूटीन आर एडेड इन द सेल वॉल एज पर नीड। तो बेसिकली क्या होता है कि इसके अंदर लिग्निन हो गया, क्यूटीन्स हो गया, ठीक है, ये सब क्या होते हैं, ऐड होते रहते हैं इसके सेल वॉल में एज पर नीड, मतलब जैसा जो प्लांट रहेगा, जिसको जैसा रिक्वायरमेंट रहेगा वैसे वो अपना सेल वॉल बनाएगा, ठीक है। उसके बाद में फंक्शन ऑफ सेल वॉल आर टू सपोर्ट एंड टू प्रोटेक्ट द सेल बाय प्रिवेंटिंग एक्सेस एंट्री ऑफ एक्सेस वाटर इन द सेल। तो सेल वॉल का बेसिकली क्या है फंक्शन, कि वो प्रोटेक्ट करता है सेल को, वाटर को, एक्सेस वाटर जो है या तो बाहर भी नहीं जाना चाहिए और अंदर भी नहीं आना चाहिए, ठीक है। और एक और चीज़ फंक्शन है इसका सेल वॉल का, बेसिकली ये इन्फेक्ट, अगर कोई बैक्टीरिया इन्फेक्ट कर रहा है, ठीक है, प्लांट को, तो उससे भी प्रिवेंट करता है, ठीक है, उसको, क्योंकि उसका आउटर लेयर जो है बहुत ही सख्त रहता है, एकदम कठोर रहता है, तो उससे वो प्रिवेंट करता है, मतलब एंट्री नहीं करने देता है मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिजम्स की, ठीक है। उसके बाद में हम लोग ने कंपोनेंट ऑफ सेल में से सेल वॉल पढ़ लिया, सेकंड है हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। तो इसके बारे में क्या पढ़ेंगे हम लोग, कि इट इज़ अ थिन, बेसिकली थिन होता है, पतला सा होता है, फ्रेजाइल है, हार्ड नहीं है ज़्यादा, जैसे सेल वॉल हार्ड था ये हार्ड नहीं है, फ्रेजाइल है, थोड़ा सा भी उसको कुछ हुआ डैमेज, वो डैमेज हो जाएगा तुरंत। फिर एंड इलास्टिक कवरिंग डेट सेपरेट द सेल कंपोनेंट फ्रॉम द आउटर इन्वायरमेंट। तो बेसिकली ये क्या करता है, सेपरेट करता है सेल के कंपोनेंट को आउटर इन्वायरमेंट से, ठीक है। तो ये हो गया प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अभी प्लाज्मा मेम्ब्रेन का थोड़ा और देख लेते हैं हम लोग, कि द स्ट्रक्चर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या है, प्रोटीन मॉलिक्यूल्स आर एम्बेडेड इन टू टू लेयर्स ऑफ फॉस्फोलिपिड, ठीक है। तो इसमें बोला गया कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन में जो है प्रोटीन मॉलिक्यूल जो है एम्बेडेड, मतलब घुसे हुए हैं इन टू लेयर्स ऑफ फॉस्फोलिपिड, दो लेयर के फॉस्फोलिपिड्स रहते हैं उसके अंदर, ठीक है। और उसके बाद में क्या बोला है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज सेड टू बी अ सेलेक्टिव परमेबेबल मेम्ब्रेन एज इट अलाउ सम सब्सटेंस टू एंटर द सेल वाइल प्रिवेंट्स अदर। तो बेसिकली इसके अंदर क्या बोला गया है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है सेलेक्टिवली परमेबल है। सेलेक्टिवली परमेबल मतलब क्या होता है कि कुछ सब्सटेंस को वो एंट्री देता है और कुछ सब्सटेंस को प्रिवेंट करता है एंट्री के लिए, ठीक है, जैसे उसके जो प्रॉपरली जो उसका रिक्वायरमेंट रहेगा उसके हिसाब से, ठीक है। तो अभी उसके बाद में क्या गया है, यहाँ पे बोला गया है कि ड्यू टू दिस प्रॉपर्टी यूजफुल मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, सॉल्ट, ऑक्सीजन एंटर द सेल एंड कार्बन डाइऑक्साइड एग्जिट द सेल। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आप लोग अच्छे से देख लीजिए यहाँ पे क्या है कि ये प्रॉपर्टी की वजह से क्या होता है, बेसिकली कि यूजफुल मॉलिक्यूल जैसे कि वाटर हो गया, सॉल्ट हो गया, ऑक्सीजन हो गया, ये सब लोग क्या करेंगे, एंट्री लेंगे से अपने सेल के अंदर, ठीक है, और ये कार्बन डाइऑक्साइड जो है सेल से बाहर जाएगा, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टीज है इसकी, ठीक है। उसके बाद में इफ एनी चेंजेस ऑकर आउटसाइड द सेलुलर इन्वायरमेंट डज नॉट चेंज ड्यू टू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, दिस कंडीशन इज कॉल्ड होम्योस्टेटिस, ठीक है। तो बेसिकली क्या होता है कि अगर बाहर आउटसाइड ऑफ द सेल कुछ भी सेलुलर इन्वायरमेंट चेंज हो रहा है, ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि अंदर भी चेंज हो जाएगा, अंदर भी अंदर चेंज नहीं होगा, अंदर प्रॉपर वैसा ही रहेगा, ठीक है, किसकी वजह से, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की वजह से, ठीक है। अभी ये स्ट्रक्चर ऑफ द सेल वॉल है तो इसको देख लेते हैं, देखिए यहाँ पे मिडल लैमिना है, ये ऊपर पोर्शन, फिर ये हेम्यूलोस है, फिर पैक्टिन है, देखा था हमने कि किससे बना होता है, वो सेलुलोस से बना होता है और पैक्टिन से बना होता है सेल वॉल हमारा। फिर उसमें देखिए सेलुलोस माइक्रोफाइबर्स है, फिर सोल्यूबल प्रोटीन्स है, और ये जो है हमारा ये है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये पार्ट, ये प्लाट को हम लोग बोलेंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और यहाँ पे प्राइमरी सेल वॉल है ये, ठीक है, ये सब चीज़ सेल वॉल में प्रेजेंट रहती है। तो अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है, तो बेसिकली इसका भी देख लेते हैं हम लोग, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का भी स्ट्रक्चर जो है देख लेते हैं हम लोग। यहाँ पे देखिए प्रोटीन्स है, प्रोटीन बेसिकली क्या काम करती है, ट्रांसपोर्ट का काम करती है, यहाँ से वहाँ ऑक्सीजन सप्लाई करती है और न्यूट्रिएंट्स इधर से वो एक सेल से दूसरे सेल के
थ्रू मतलब प्रोटीन के थ्रू एक चैनल होता है, चैनल के थ्रू ये लोग इधर से उधर पास होते हैं बेसिकली। और कार्बोहाइड्रेट चेन है इसमें, ठीक है, और लिपिड बाई लेयर है, ठीक है। तो ये है हमारा स्ट्रक्चर प्लाज्मा मेम्ब्रेन का। अगर ये आपको पूछ रहा है 2 मार्क्स के लिए, 3 मार्क्स के लिए, तो आप अगर डायग्राम के साथ में एक्सप्लेन करेंगे तो बहुत ही बेटर होगा और अच्छे मार्क्स आपको मिलेंगे, ठीक है। उसके बाद में हम लोग अभी देखेंगे हाउ डू सब्सटेंस ट्रेवल इन द सेल्स। अभी आपको, अभी हम लोग जैसे बोल रहे हैं कि वाटर ट्रेवल होता है एक सेल से दूसरे सेल से, ऑक्सीजन ट्रेवल होता है इधर से उधर, ठीक है, वन सेल टू अनदर सेल, ठीक है, न्यूट्रिएंट्स इधर से उधर एक सेल से दूसरे सेल के थ्रू सेल मतलब ट्रांसपोर्ट होते हैं, तो कैसे होते हैं वो हम लोग देखेंगे। एक्टिविटी दैट कंज्यूम सेलुलर एनर्जी। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर कोई भी चीज़ एक जगह से दूसरी जगह जा रही है, अगर एक एग्जाम्पल ही ले लेते हैं हम लोग कि मम्मी ने बोला कि हमें ये बॉक्स उठा के दूसरे रूम में रखना है, ठीक है, अब हम लोग वो चीज़ उठाएंगे और दूसरे रूम में रखेंगे, अगर लेकिन हमारे पास एनर्जी नहीं है तो हम लोग नहीं रख पाएंगे, ठीक है। लेकिन अगर हमारे पास एनर्जी है और हम लोग एनर्जी का कंज्यूम करेंगे तभी हम लोग रख पाएंगे एक जगह से दूसरी जगह पर उसको। तो कोई भी टास्क करने के लिए एनर्जी हमें लगती ही है, ठीक है। तो सेल को भी वैसे एनर्जी लगती है, और एनर्जी कौन से फॉर्म में होती है, एटीपी है, ये आपको याद रखना है हमेशा। तो अभी फर्स्ट जो है हमारा बेसिकली क्या है, वो एंडोसाइटोसिस है। तो हम लोग उसको एंडोसाइटोसिस को क्या बोलते हैं, हम लोग टू एंगल फूड एंड अदर सब्सटेंस फ्रॉम द आउटर इन्वायरमेंट। ये बहुत ही बेसिक सा डेफिनेशन है, इसका मतलब ये है, ये एक एक मार्क्स के लिए पूछ सकते हैं एंडोसाइटोसिस और एक्सोसाइटोसिस, ठीक है। तो आप इसको अच्छे से पढ़ लीजिए, प्रॉपरली याद कर लीजिए। तो इसका ना बेसिकली क्या बोला गया है कि कोई भी चीज़ एंगल्फ करना, जैसे फूड हो गया या कोई अदर सब्सटेंस, फ्रॉम द आउटर इन्वायरमेंट, सेल के बाहर से, ठीक है, तो उसको हम लोग बोलते हैं एंडोसाइटोसिस, ठीक है। और एक्सोसाइटोसिस होता है कि टू एक्सक्रीट वेस्ट मटेरियल आउट ऑफ द सेल। तो एक्सोसाइटोसिस मतलब बाहर है, एंडो मतलब अंदर होता है बेसिकली, और एक्सो मतलब होता है बाहर। तो टू एक्सक्रीट वेस्ट मटेरियल आउटसाइड द सेल, तो आउटसाइड द सेल, सेल के बाहर हम लोग कोई चीज़ मटेरियल, वेस्ट मटेरियल एक्सक्रीट करेंगे तो हम लोग उसको बोलेंगे एक्सोसाइटोसिस, ठीक है। अभी आगे बढ़ते हम लोग, यहाँ पे है कि प्रोसेस दोज दैट डज नॉट कंज्यूम सेलुलर एनर्जी। अब ये चीज़ को एनर्जी लगेगी एंडोसाइटोसिस को, एक्सोसाइटोसिस को, ठीक है, लेकिन ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिसमें एनर्जी नहीं लगेगी, कौन सा प्रोसेस है जिसमें एनर्जी कंज्यूम नहीं होगी, ठीक है, सेलुलर एनर्जी कंज्यूम नहीं होगी, तो वो है डिफ्यूजन। डिफ्यूजन आपने पहले ही पढ़ा होगा, ठीक है, हायर कॉन्सेंट्रेशन टू ऑस्मोटिक प्रेशर, बेसिकली हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन, ये सब चीज़ें। तो अभी हम लोग बायोलॉजी में कैसा उसका रोल प्ले होता है वो देखेंगे हम लोग। डिफ्यूजन मतलब क्या होता है कि एंट्री और एग्जिट ऑफ अ स्मॉल मॉलिक्यूल्स लाइक ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड। तो डिफ्यूजन मतलब एक सेल से दूसरे सेल में एंट्री करना या एग्जिट करना ऑफ अ स्मॉल मॉलिक्यूल्स लाइक ऑक्सीजन हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, या माइक्रो एलिमेंट्स हो गया, ठीक है, माइक्रो एलिमेंट्स भी हैं, विटामिन से सब चीज़ें, बहुत ही छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स हैं, राइट, जैसे सोडियम हो गया, कैल्शियम हो गया, क्लोराइड हो गया, ये सब चीज़ें। तो ये सब चीज़ डिफ्यूज़ करते हैं वन सेल टू अनदर सेल, ठीक है। तो इसके लिए जो है हमें एनर्जी कंज्यूम नहीं होती है। एंड सेकेंड वन है जो हमारा है ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस में क्या होता है कि द ट्रेवलिंग ऑफ वाटर फ्रॉम अ पार्ट विथ मोर वाटर टू द पार्ट विथ लेस वाटर थ्रू अ सेलेक्टिव परमिएबल इज अ ऑस्मोसिस, ठीक है। इट इज हैज अ फिजिकल प्रोसेस विथ 3 पॉसिबिलिटीज। तो इसमें क्या बोला है कि ऑस्मोसिस बेसिकली वही है कि हायर कॉन्सेंट्रेशन से हमारा जो वाटर है वो लोअर कॉन्सेंट्रेशन में ट्रेवल करेगा थ्रू सेलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, थ्रू सेलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन। जहाँ पे ज़्यादा पानी रहेगा वहाँ से हम लोग नॉर्मल भी देखते हैं, हम लोग अगर जैसे कि एक एग्जांपल ले लेते हैं कि ड्रम है, ठीक है, पानी आया नहीं है, मम्मी ड्रम स्टोर करके रखती है पहले से ही घर में, ठीक है, तो ड्रम से अब पानी, पानी तो है नहीं घर में, अब क्या करेंगे, ड्रम में से पानी निकालना है। तो हम लोग एक एक चीज़ क्या कर सकते हैं, एक चीज़ हम लोग एनर्जी का यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि बाल्टी से उठा उठा के बार बार डालो तो उसमें देखो एनर्जी भी लगती है, ठीक है। लेकिन अभी दूसरी चीज़ हम लोग पाइप यूज़ कर सकते हैं। पाइप क्या करेंगे, पाइप डाल देंगे और हम लोग उसको मुंह से पानी सक करेंगे और पानी फ्लो होते रहेगा, ठीक है। लेकिन वो कैसा हो रहा है, जहाँ पे पानी नहीं है वहाँ पे लेस पानी, मतलब ऐसा समझ लेते हैं सिचुएशन कि वहाँ पे पानी कम है, ठीक है, और जो ड्रम में फुल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर में पूरा पानी भरा है तो वो हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन में ट्रेवल कर रहा है, राइट, ज़्यादा पानी से कम पानी की तरफ ट्रेवल कर रहा है पानी, राइट। अभी ऐसा तो नहीं कि जहाँ पे पानी नहीं है वहाँ से वो मतलब ड्रम में पानी जा रहा है, ऐसा तो होगा नहीं,
तो वही है ऑस्मोसिस बेसिकली, कि हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर लोअर कॉन्सेंट्रेशन में पानी ट्रेवल होता है। और अभी किसके थ्रू ट्रेवल हो रहा है, पाइप के थ्रू। तो यहाँ पे लेकिन क्या होता है कि सेलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन होता है, उसके थ्रू ये पास होता है, ठीक है। तो अभी ये देखिए, अभी इट इज़ अ फिजिकल प्रोसेस विथ थ्री पॉसिबिलिटीज रहती है उसमें, ठीक है। तो देखिए इसमें बेसिकली यहाँ पे क्या हो रहा है कि H2O बाहर जा रहा है, ठीक है। यहाँ पे H2O बाहर जा रहा है, यहाँ पे H2O अंदर भी आ रहा है और बाहर भी जा रहा है, ठीक है। अभी यहाँ पे जो है, यहाँ पे H2O ये देखिए वैक्यूल्स में पूरा भरा हुआ है, ठीक है, अंदर जा रहा है, वैक्यूल्स में स्टोर हो रहा है। अभी वो भी डिपेंड होता है अलग अलग कंडीशन के ऊपर, हाइपरटोनिक, आइजोटोनिक, हाइपोटोनिक, ठीक है। ये आपको इतना डिटेल्स में है नहीं तो उसको कुछ पढ़ने की ज़रूरत इतना है नहीं, लेकिन हाइपरटोनिक में बेसिकली क्या होता है कि वाटर बाहर जाता है, ठीक है। आइसोटोनिक में अंदर भी आता है बाहर भी जाता है, सर्कुलेशन होता है। हाइपोटोनिक में कम रहेगा, RBCs कम रहेंगे और बेसिकली अंदर जाएगा प्रॉपर, अगर कॉन्सेंट्रेशन कम रहेगा वहाँ पे तो अंदर जाएगा, ठीक है। हाइपरटोनिक में कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा रहेगा सेल के अंदर पानी का तो वो बाहर जाएगा, ठीक है। आइसोटोनिक पे मूव करते रहेगा, अंदर भी जाएगा बाहर भी जाएगा, ठीक है। तो ये ऑस्मोसिस था। अभी यहाँ पे देख लेते हैं हम लोग कि आइसोटोनिक सॉल्यूशन बेसिकली क्या होता है कि मीडियम आउटसाइड एंड इनसाइड द सेल हैज सेम प्रपोर्शन ऑफ वाटर, वाटर डज नॉट गो आउट इन और आउट। तो बेसिकली वही है कि मेंटेन रहता है आइसोटोनिक में कि प्रॉपर सेल के अंदर प्रॉपर वाटर प्रेजेंट है, ना बाहर जाएगा ना अंदर जाएगा, मतलब प्रॉपरली मेंटेन रहेगा वो, ठीक है। बाहर भी जा सकता है अंदर भी जा सकता है, प्रॉपर मेंटेन रहेगा, सेल के अंदर का जो वाटर कंटेंट है वो प्रॉपर मेंटेन रहेगा, ठीक है। इसको आइसोटोनिक बोलते हैं। देन सेकेंड वन जो है हमारा वो है हाइपरटोनिक सोल्यूशन, द सेल हैज़ लेस वाटर देन आउटसाइड मीडियम, ठीक है। सो वाटर एंटर द सेल, दिस इज कॉल्ड एंडो स्मोसिस। एग्जाम्पल, इफ रेजिन्स आर केप्ट इन द वाटर आफ्टर सम टाइम दे स्वेल एंड बिकम टर्बिड, ठीक है। हाइपरटोनिक में बेसिकली क्या बोला गया कि हाइपरटोनिक में कम है पानी, ठीक है, ठीक है। हाइपरटोनिक में जो है, यहाँ पे हाइपरटोनिक में क्या बोला है कि द सेल हैज लेस वाटर देन आउटसाइड मीडियम, तो सेल के पास पानी कम है, ठीक है। मैंने जैसे पहले बोला कि सेल के पास पानी कम है तो अंदर जाएगा पानी, राइट, पानी सेल के अंदर जाएगा। तो बेसिकली ये हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में क्या होता है, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन बेसिकली वही होता है कि सेल के अंदर जो हमारा वाटर का सॉल्यूट का कंसेंट कम रहता है तो वो सेल के अंदर जाएगा, और हाइपरटोनिक में वही है कि सेल के अंदर ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन है वाटर का या सॉल्यूट का तो वो बाहर जाएगा, ठीक है। तो बेसिकली यही है। अभी इसमें एग्जाम्पल भी दिया हाइपोटोनिक में, बेसिकली रेजिन, रेजिन मतलब किशमिश हो गई, किशमिश आपको पता होगी, आप लोग एक्सपेरिमेंट भी कर सकते हो। तो किशमिश देखिए बेसिकली क्या होता है कि एकदम सूखी हुई रहती है, राइट, तो उसको हम लोग पानी में डाल के रखेंगे कुछ टाइम के लिए, तो देखिए वो उसको फिर बाहर निकालेंगे तो फूल जाती है, राइट। तो उसमें क्या हो रहा है, हाइपोटोनिक सोल्यूशन, उसके अंदर का जो पानी का कॉन्सेंट्रेशन बहुत कम है, हाई नहीं बेसिकली, ठीक है। तो अभी हम लोग उसको पानी के अंदर अगर प्रोवाइड करेंगे तो हायर कॉन्सेंट्रेशन में वाटर है, ठीक है। अभी सेल के अंदर पानी है नहीं तो क्या होगा कि सेल के अंदर पानी जाएगा, तो उसको बोलेंगे एंडोमोसिस, एंडोऑस्मोसिस, राइट, ठीक है। उसके बाद में हाइपरटोनिक सोल्यूशन देख लिया हमने, फिर भी एक बार देख लेते कि द सेल हैज़ मोर वाटर आउट वाटर देन आउटसाइड वाटर देन आउटसाइड मीडियम, सो वाटर कम्स आउट ऑफ द सेल। सेल के अंदर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर बहुत सारा है तो वो बाहर जाएगा सेल के, राइट। तो जैसे कि एग्जाम्पल देख लेते हम लोग यहाँ पे कि इफ फ्रूट पीसेस आर केप्ट इन द थिक सेचूरेटेड शुगर सोल्यूशन, अगर फ्रूट का जो पीसेस है उसको थिक सेचूरेटेड शुगर सॉल्यूशन में हम लोग ने डाला, एक हम लोग ने ग्लास लिया उसके अंदर बहुत सारा पानी डाला और मतलब शुगर डाला बहुत सारा और पानी उतना ही है, ठीक है। हम लोग ने उसको मिला दिया। अभी द वाटर फ्रॉम द फ्रूट पीसेस एंटर द शुगर सॉल्यूशन, अभी क्या होगा कि जो फ्रूट पीसेस में से जो वाटर है वो क्या करेगा, अभी क्या है शुगर सॉल्यूशन में जाएगा वाटर, क्यों, क्योंकि वाटर का कॉन्सेंट्रेशन जो है सेल के अंदर ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू शुगर सोल्यूशन में, तो वो सेल में से निकल के वहाँ पे जाएगा। सो द फ्रूट पीसेस श्रिंक आफ्टर अ वाइल, तो फ्रूट में से अगर वो पानी निकल जाएगा तो बेसिकली क्या, फ्रूट जो है श्रिंक मतलब सिकुड़ जाएगा, ठीक है। इफ प्लांट सेल और एनिमल सेल इज केप्ट इन द हाइपरटोनिक सोल्यूशन, वाटर कम्स आउट ऑफ द सेल बाय द प्रोसेस ऑफ एक्सो ऑस्मोसिस, उसको एक्सो ऑस्मोसिस बोलेंगे। अगर हम लोग प्लांट सेल को या एनिमल सेल्स को हाइपरटोनिक सोल्यूशन में रखेंगे तो उसमें से वाटर बाहर आएगा, तो उसको हम लोग बोलेंगे एक्सो ऑस्मोसिस। एंड देयर इज एन कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द साइटोप्लाज्म, तो कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द साइटोप्लाज्म होगा बेसिकली, सबको पता है वाटर बाहर जाएगा तो फिर एकदम श्रिंक हो जाएगा, राइट। तो
तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, दिस प्रोसेस इज नोन एज प्लाज्मा, प्लाज्मोलाइसिस, प्लाज्मा का लाइसिस हो जाएगा, ठीक है, प्लाज्मोलाइसिस, राइट। अभी थर्ड चीज़ हम लोग पढ़ेंगे साइटोप्लाज्म के बारे में। ये सबको पता होगा साइटोप्लाज्म क्या होता है, नाम एटलीस्ट पता होगा साइटोप्लाज्म कि होता क्या है। तो अभी हम लोग देखते हैं कि क्या है इसके अंदर। तो साइटोप्लाज्म इज़ अ फ्लूइड बिटवीन प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड द न्यूक्लियस। तो ये फ्लूइड होता है बेसिकली, और किसके बीच में, प्लाज्मा मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के बिटवीन में, ठीक है, बीच में। इट इज़ अ मूविंग स्टिकी सब्सटेंट, ये मूव करता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म, और स्टिकी सब्सटेंट रहता है। मैनी सेल ऑर्गेन्स आर सस्पेंडेड इन द साइटोप्लाज्म। अभी बहुत सारे जो सेल ऑर्गेन्स है, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया हो गया और भी चीज़ें, वैक्यूल्स, ये सब चीज़ें हो गई, ये उसके साइटोप्लाज्म के अंदर मूव करती रहती है, राइट, सस्पेंड उसी के अंदर प्रेजेंट रहती है। साइटोप्लाज्म इज द मीडियम फॉर सेलुलर केमिकल रिएक्शन। तो अभी साइटोप्लाज्म जो एक मीडियम प्रोवाइड करता है केमिकल रिएक्शंस के लिए, सेलुलर के जो केमिकल्स रिएक्शन होते हैं, सेलुलर केमिकल रिएक्शन, उनके लिए एक मीडियम प्रोवाइड करता है वो। द पार्ट ऑफ द साइटोप्लाज्म अदर देन ऑर्गेनल्स इज कॉल्ड साइटोसॉल, ठीक है। साइटोसॉल स्टोर वाइटल सब्सटेंस, साइटोसॉल्स जो है, वाइटल सब्सटेंस मतलब इम्पॉर्टेंट सब्सटेंस स्टोर करता है, जैसे कि अमाइनो एसिड हो गया, ग्लूकोस हो गया, विटामिन हो गया, एक्सेट्रा हो गया, ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। इन द एनिमल सेल साइटोप्लाज्म इज मोर ग्रेनुअल एंड डेंस वाइल इन प्लांट सेल। एनिमल सेल में साइटोप्लाज्म जो रहता है मोर ग्रेनुअल रहता है और ज़्यादा डेंस रहता है एज़ कम्पेयर टू प्लांट सेल में, ठीक है। उसके बाद में इट इज़ थिन एंड मोस्टली पुश्ड टू द पेरीफरी ड्यू टू द लार्ज सेंटर ऑफ वैक्यूल्स, ठीक है, थिन रहता है, मोस्टली पुश टू द पेरीफरी ड्यू टू द लार्ज सेंटर ऑफ वैक्यूल्स, राइट। तो ये हम लोग ने कर लिया, राइट। अभी सेल ऑर्गेनल्स देखते हैं हम लोग की और क्या प्रेजेंट रहता है। तो बेसिकली क्या है उसके अंदर कि एन ऑर्गेनल, ऑर्गेनल्स इज अ स्पेशलाइज सब यूनिट हैविंग अ स्पेसिफिक फंक्शन विद इन द सेल, ठीक है। सेल ऑर्गेनल्स का मतलब क्या है कि ये ऑर्गेनल है और ये इनका एक स्पेशलाइज फंक्शन है, ठीक है, सेल के अंदर। दे आर ऑर्गन ऑफ अ सेल, जैसे हम लोग के ऑर्गन क्या है, अभी हम लोगों को बोला कि बॉडी के ऑर्गन्स बताओ, तो हम लोग क्या लिखेंगे, लीवर लिखेंगे, राइट, हार्ट लिखेंगे, किडनी लिखेंगे, पेनक्रियाज लिखेंगे। तो वैसे सेल के भी अलग डिफरेंट डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनल्स रहते हैं। तो ईच ऑर्गेनल हैज़ इट्स ओन लिपोप्रोटीन मेम्ब्रेन। अभी हर एक ऑर्गेनल का एक मेम्ब्रेन रहेगा, वो लिपोप्रोटीन से बना हुआ रहता है, ओके, एक्सेप्ट न्यूक्लियस एंड क्लोरोप्लास्ट। ऑल अदर ऑर्गेनल्स कैन बी सीन ओनली विथ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। तो अब हम लोग को ये नॉर्मली दिख रही है, नहीं, हम लोग को नॉर्मली सेल नहीं दिखता है, राइट, हम लोग माइक्रोस्कोप यूज़ करते हैं, ठीक है। लेकिन हम लोग माइक्रोस्कोप में हम लोग क्या देख सकते हैं, न्यूक्लियस देख सकते हैं और क्लोरोप्लास्ट। लेकिन और ऑर्गेनल्स हम लोग को देखना है तो उसके लिए हम लोग को इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप लगेगा। तो ये देखिए, ये पिक्चर है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का, और ये नॉर्मली कहीं पे भी प्रेजेंट नहीं रहता है, बहुत ही हाई यूनिवर्सिटीज़ रहेंगी, हमारे नॉर्मल स्कूल में या कॉलेजेस में प्रेजेंट नहीं रहता है, जैसे IIT बॉम्बे हो गया, BARC हो गया, बहुत बड़े बड़े जैसे कि एम्स हो गया, ये सब जहाँ पे प्रॉपर रिसर्च चलती है वहीं पे ये सिर्फ प्रेजेंट रहते हैं, क्योंकि ये बहुत कॉस्टली आते हैं और एक पूरा रूम ये माइक्रोस्कोप के लिए रहता है, ठीक है, राइट। तो ये हो गया। अभी हम लोग देखेंगे न्यूक्लियस, न्यूक्लियस देखते हैं हम लोग, ये यहाँ पे है। व्हेन ऑब्जर्व अंडर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, अगर हम लोग इसको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंदर देखेंगे, ठीक है, तो क्या दिखेगा हम लोग को, वी कैन सी न्यूक्लियस कवर बाय डबल लेयर मेम्ब्रेन विथ स्मॉल पोर्स, ठीक है। अभी हम लोग न्यूक्लियस को अगर देखेंगे तो उसमें हम लोग क्या दिखेगा, डबल लेयर मेम्ब्रेन दिखेगा विथ स्मॉल पोर्स, देखें न्यूक्लियर पोर्स, राइट। तो हम लोग को डबल मेम्ब्रेन दिखेगा और स्मॉल पोर्स दिखेंगे। दिस पोर्स अलाउज द पैसेज ऑफ मटेरियल इन एंड आउट ऑफ द न्यूक्लियस। इसके अंदर पैसेज बेसिकली ये प्रोवाइड करता है इन एंड आउट ऑफ द न्यूक्लियस, राइट। न्यूक्लियस हैज़ वन राउंड न्यूक्लियोलस एंड अ नेटवर्क ऑफ क्रोमैटिन फाइबर, बीच में न्यूक्लियोलस रहता है और क्रोमैटिन फाइबर्स रहते हैं, राइट। या आप आगे जाओगे तो आपको प्रॉपर समझ में आएगा 10th में 9th में कि जेनेटिक मटेरियल क्या होता है। बेसिकली इसी के अंदर जेनेटिक मटेरियल जो रहता है हमारा प्रेजेंट रहता है, और यही इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। उसके बाद में क्या है कि क्रोमैटिन फाइबर्स आर थिन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है। क्रोमैटिन जो है वो, ये क्रोमैटिन जो है यहाँ पे दिखाया है, ऐसा डायग्राम नहीं है, बेसिकली अलग रहता है वो, लेकिन आपको डीप अगर आगे की पढ़ाई में आपको समझ में आएगा वो, ठीक है। तो
जो क्रोमेटिन फाइबर्स है जो वो थीन होते हैं और थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। थ्रेड लाइक मतलब आप लोगों को थ्रेड पता है, थ्रेड जो आप लोग एग्जाम लिखते हो राइट, तो एग्जाम में जब भी हम लोग सेकेंड शीट लेते हैं, सेकेंड शीट लेते हैं उसके बाद में हम लोग उसको बांधते हैं राइट, तो थ्रेड रहता है वो, ठीक है, वैसे स्ट्रक्चर में उसको थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जैसे रहता है, ठीक है, विच कंडेंस टू फॉर्म अ शॉर्ट थिक क्रोमोजोम एट द टाइम ऑफ द सेल डिवीजन। तो जब ये कंडेंस होता है राइट, ये कंडेंस होता है और थिक क्रोमोजोम, शॉर्ट थिक क्रोमोजोम कैसा बनता है वो, कब बनता है, सेल डिवीजन के टाइम पे बनता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, न्यूक्लियस का डेफिनेशन एग्जाम में आएगा ही अगर आपको ये चैप्टर है, ठीक है, तो इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। न्यूक्लियस का फंक्शनल सेगमेंट्स ऑन क्रोमोजोम्स आर कॉल्ड जीन। फंक्शनल सेगमेंट्स जो होते हैं क्रोमोजोम के उसको हम लोग बोलते हैं जीन। तो अभी हम लोग फंक्शन ऑफ न्यूक्लियस देख लेते हैं कि न्यूक्लियस के फंक्शन क्या क्या होते हैं। तो इट कंट्रोल्स ऑल मेटाबॉलिक एक्टिविटीज ऑफ द सेल एंड ऑल्सो द सेल डिवीजन। तो जितने भी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ होती है सेल के अंदर उसको ये कंट्रोल करता है, रेगुलेट करता है, डाउन रेगुलेट, अप रेगुलेट, ठीक है, और सेल डिवीजन भी ये करता है। इट इज़ इन्वॉल्व इन द ट्रांसमिशन ऑफ हेरिडिटरी कैरेक्टर फ्रॉम पेरेंट्स टू द ऑफस्प्रिंग। ये क्या करता है, हेरिडिटी कैरेक्टर्स जो रहते हैं पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग, लाइक मदर से मदर फादर से बच्चों में अपने ट्रांसमिट करता है राइट, हेरिडिटी कैरेक्टर। तो जो भी देखिए प्रॉब्लम्स होती है जैसे डाउन सिंड्रोम हो गया, ये सब चीज़ें होती है पेरेंट्स से आती है, ठीक है, हेरिडिटरी ट्रांसफ़र होती है, ठीक है। तो ये हमारा फंक्शन ऑफ न्यूक्लियस था। अभी आगे हम लोग देखेंगे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में बेसिकली क्या है कि द ऑर्गेनल विच कंडक्ट वेरियस सब्सटेंस इनसाइड द सेल इज कॉल्ड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। ये तो बेसिक सा डेफिनेशन था कि जो द ऑर्गेनल्स विच कंडक्ट वेरियस सब्सटेंस इन द इनसाइड द सेल, ठीक है, इनसाइड द सेल, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसका शॉर्ट फॉर्म है ER। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हैज़ अ नेट लाइक स्ट्रक्चर कंसिस्टिंग ऑफ अ इंटरकनेक्टेड मिनिएचर ट्यूब्स एंड शीट फिल्ड विथ फ्लूइड, ठीक है। तो देखिए इसका स्ट्रक्चर कैसे है ना, नेट लाइक स्ट्रक्चर है राइट, देखिए नेट लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है, और ये कंटेन क्या करता है, फ्लूइड कंटेन करता है। एंडो प्लाज्मिक रेटिकुलम इज कनेक्टेड टू द न्यूक्लियस फ्रॉम द इनर साइड टू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन फ्रॉम द आउटर साइड। इनसाइड से न्यूक्लियस से कनेक्टेड रहता है और आउटसाइड से प्लाज्मा मेम्ब्रेन से कनेक्ट रहता है, ठीक है। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हैज अ राइबोसोम ग्रेन्यूल्स ऑन द ऑन इट्स आउटर सरफेस। रफ एंडोप्लाज्मिक जो है उसके उसके पास राइबोसोम ग्रेन्यूल्स रहते हैं ऑन द आउटर सरफेस, ठीक है। ये हमारा ये प्रॉपर जो स्ट्रक्चर के बारे में डिटेल्स था वो हो गया। अब हम उसका फंक्शन देखेंगे कि फंक्शन में क्या दिया है। तो फंक्शन उसका क्या है कि इट इज़ अ फ्रेमवर्क दैट सपोर्ट सेल। ये एक प्रॉपर फ्रेमवर्क है, ठीक है, जो सेल को सपोर्ट करता है अलग अलग फंक्शंस करने में, स्ट्रक्चर देने में उसको, ठीक है, अलग अलग मेटाबॉलिक एक्टिविटीज करने के लिए, ठीक है। उसके बाद में कंडक्शन ऑफ प्रोटीन्स, ये प्रोटीन सिंथेसिस में भी हेल्प करता है, इसके पास राइबोसोम रहता है, तो राइबोसोम से ही जो बेसिकली हमारा प्रोटीन्स है वो सिंथेसाइज होता है राइट। तो ये आप आगे पढ़ोगे, आगे आपको डिटेल में रहेगा सब, ट्रांसलेशन ट्रांडक्शन ये सब चीज़ें, तो वहाँ पे आपको सब चीज़ देखने मिलेगी, ठीक है। तो अभी थर्ड पॉइंट जो है हमारा वो क्या है, टॉक्सिन्स डैट हैव एंटर द बॉडी थ्रू फूड एयर वाटर आर मेड वाटर सोल्यूबल बाय द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड देन फ्लश आउट ऑफ द बॉडी। तो जो टॉक्सिन जो एंटर होते हैं, ठीक है, बॉडी के अंदर फूड के या एयर के या वाटर के, तो ये क्या करता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम उसको वाटर सोल्यूबल करता है और फ्लश आउट कर देता है बॉडी से, ठीक है, स्वेट के थ्रू कर सकता है, मतलब एक्सक्रीट कर सकता है यूरिन के थ्रू, ठीक है, और भी बहुत सारे टाइप से, ठीक है। अभी हम लोग पढ़ेंगे गॉल्गी कॉम्प्लेक्स। तो गॉल्गी कॉम्प्लेक्स जो होता है, इट इज़ मेड अप ऑफ 5 to 8 हॉलो एंड फ्लैट सैक्स प्लेस्ड पैरेलल टू ईच अदर। फ्लैट सैक्स रहते हैं जो कि पैरेलल टू ईच अदर रहते हैं, ठीक है, हॉलो रहते हैं वो, पैरेलल टू ईच अदर प्लेस्ड रहते हैं, उनसे ये बना होता है। दिस सैक्स आर कॉल्ड सीस्ट्रेनी, ठीक है, एंड आर, इसको अच्छे से लिख लीजिएगा चाहिए तो 5-6 बार, एंड आर फिल्ड विथ डिफरेंट एंजाइम।
ये फिल्ड विथ डिफरेंट एंजाइम के साथ में फिल्ड रहते हैं, राइट इन लोग, अलग अलग एंजाइम रहती है इनके पास में। द प्रोटीन कमिंग फ्रॉम द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आर एनक्लोज इन द वेसिकल्स। जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जो प्रोटीन सिंथेसाइज होता है वो एनक्लोज होता है इन द वेसिकल विच कम टूवर्ड्स द गॉल्गी कॉम्प्लेक्स वी आर साइटोप्लाज्म। तो ये गॉल्गी कॉम्प्लेक्स के पास में आता है, ठीक है। दे फ्यूज विद द फॉर्मेशन फेस ऑफ द गॉल्गी मेम्ब्रेन एंड एम्प्टी देयर कंटेंट इन द शिस्ट्रेन सिस्ट्रेने, राइट। इधर पे लोग अपना कंटेंट जो है एम्प्टी मतलब वहाँ पे रखते हैं, जाके वहाँ पे खाली करते हैं, राइट। एज दे पास थ्रू द शिस्ट्रेन दे आर केमिकली मॉडिफाइड विद द हेल्प ऑफ एंजाइम। ये केमिकली मॉडिफाई, जैसे ही वहाँ से पास होते हैं वो लोग, वो केमिकली मॉडिफाई होते हैं। और किससे मॉडिफाई होते हैं, कौन हेल्प करता है उनका, एंजाइम जो है वो हेल्प करता है उनको मॉडिफाई करने के लिए, ठीक है। दे आर अगेन पैक्ड इन द वेसिकल, फिर से ये प्रोटीन जो है पैक होते हैं वेसिकल में। एंड दिस वेसिकल एग्जिट फ्रॉम द मैचुरेशन फेस, अब ये मैचुरेशन फेस में जाता है। थ्रू सिस्ट्रेन्स वर्क लाइक अ पैकिंग डिपार्टमेंट दैट पैक्स एंड डिस्ट्रीब्यूट सब्सटेंस। तो अभी ये क्या है कि ये बेसिकली पैकिंग डिपार्टमेंट कैसा काम करता है ये। अभी जैसे कि हमारा कुछ फूड बना रहे, राइट, हम लोग फूड बना रहे हैं, सप्लाई करना है हमको बाहर। तो फूड बना लिया हमने, जैसे फूड सेल के फॉर्म में, अगर हम लोग इस पर फॉर्म में देखेंगे, पढ़ाई के फॉर्म में, तो हमारा प्रोटीन सिंथेसिस हो गया, राइट। अब उसको हम लोग को दूसरे दूसरे सेल में जाके भेजना है उसको, ठीक है। तो अब उसके लिए हम लोगों को पैक करना पड़ेगा, राइट। तो गॉल्गी कॉम्प्लेक्स जो है वो उसको पैकिंग के लिए हेल्प करता है, ठीक है। अभी फंक्शंस देख लेते हैं उसका। तो गॉल्गी कॉम्प्लेक्स इज द सिक्रेटरी ऑर्गन ऑफ द सेल, ये एक सिक्रेटरी ऑर्गन है, ठीक है, सिक्रेटरी ऑर्गन है, राइट। इट मॉडिफाई शॉर्ट्स एंड पैक मटेरियल सिंथेसाइज इन द सेल, ये क्या करता है, शॉर्ट करता है, पैक करता है मटेरियल को जो सिंथेसाइज होते हैं सेल्स के अंदर, राइट। सेल के अंदर जो भी चीजें सिंथेसाइज होती है उनको ये प्रॉपर पैक करता है, ठीक है, शॉर्ट करता है, जैसे एंजाइम, म्यूकस, प्रोटीन, पिगमेंट्स एक्सेट्रा, ठीक है, ये सब चीज़ों को, एंजाइम को, म्यूकस को, प्रोटीन को, पिगमेंट्स को, एंड डिस्पैच देम टू वेरियस टारगेट लाइक प्लाज्मा मेम्ब्रेन लाइसोसोम। अब ये फिर क्या करता है, एक बार पैकेजिंग हो गई तो उसको डिस्पैच मतलब भेज देता है दूसरे जो जो टारगेट रहती है, टारगेट जहाँ पे उसको भेजना रहता है, लाइक प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गया, लाइसोसोम हो गया, सेल के बाहर हो गया, राइट। उसके बाद में थर्ड पॉइंट जो है वो है, इट प्रोड्यूस वैक्यूल्स एंड सिक्रेटरी वेसल्स। ये क्या प्रोड्यूस, क्या बनाता है, वैक्यूल्स, और वैक्यूल्स क्या होता है, वैक्यूल्स को हम लोग स्टोर करते हैं, और सिक्रेटरी वेसिकल्स, ठीक है। उसके बाद में इट हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ सेल वॉल, सेल वॉल के फॉर्मेशन, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन और लाइसोसोम के फॉर्मेशन में ये हेल्प करता है, ठीक है। अभी ये थोड़ा सा इधर बॉक्स है, इसमें हम लोग देख लेते क्या दिया गया है कि इंट्रोडक्शन टू द साइंटिस्ट कैमिलियो गॉल्गी डिस्क्राइब द गॉल्गी कॉम्प्लेक्स फॉर द फर्स्ट टाइम। जो हमारे साइंटिस्ट है कैमिलियो गॉल्जी, इन्होंने डिस्क्राइब किया था, ठीक है। तो इसके लिए उनका नाम जो गॉल्गी कॉम्प्लेक्स है उसका नाम, उनका फर्स्ट नेम जो गॉल्गी है वो उनके नाम पे आया है, ठीक है। He developed the staining technique called black reaction and with the help of it he studies the nervous system. उन्होंने एक staining technique develop की। staining मतलब क्या होता है कि हम लोग cells को stain करते हैं, different different organs को stain करते हैं, तो वो था black reaction। उसको उन लोग ने फिर study किया, वो staining का ये use करके उन्होंने nervous system को study करने के लिए help, मतलब this technique के through nervous system को उन्होंने study किया, और फिर ये नोबल प्राइज इनको मिला 1906 को, ठीक है, अलॉन्ग विद द सैंटियागो कैजल फॉर द स्टडी ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ द नर्वस सिस्टम, ठीक है। तो ये थोड़ा सा था, ये आपको एग्जाम में बेसिकली पूछेगा नहीं, बट एंट्रेंस वगैरह आप अगर दोगे तो पूछ सकता है, ठीक है। तो अभी लाइसोसोम के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, लाइसोसोम के बारे में अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो लाइसोसोम के बारे में, लाइसोसोम का पहले देखिए स्ट्रक्चर है, ठीक है, सिंगल मेम्ब्रेन और एंजाइम कॉम्प्लेक्स। तो ड्यू टू द वेरियस मेटाबॉलिक एक्टिविटी इन द सेल ऑर्गेनिक वेस्ट इज जनरेटेड, लाइसोसोम डाइजेस्ट दैट वेस्ट। तो अभी ये होता क्या है कि अभी बहुत सारी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज रहती है, ग्लाइकोलाइसिस हो गया, ग्लूकोजेनेसिस हो गया, ये सब चीज़ें हो गया, प्रोसेस चलते ही रहता है सेल में, प्रोटीन सिंथेसिस चलती रहती है, सब चीज़ें चलती रहती है।
तो बहुत सारा ऑर्गेनिक वेस्ट जनरेट होता है, ठीक है, सेल डब्ल्यू मतलब बहुत सारा ऑर्गेनिक वेस्ट जनरेट होता है। वो क्या करता है, लाइसोजोम क्या करता है, उसको डाइजेस्ट कर देता है ये वेस्ट को, ठीक है, डाइजेस्ट करता है। लाइसोजोम्स आर सिंपल सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड सैक फिल्ड विद द डाइजेस्टिव एंजाइम। अभी कैसे करता है, ये सिंगल मेम्ब्रेन रहता है, इसके अंदर बहुत सारे एंजाइम प्रेजेंट रहते हैं, राइट। एंजाइम का काम क्या है, कोई भी चीज़ को बेसिक काम क्या है उसका, डाइजेस्टिव एंजाइम। एंजाइम बहुत टाइप के होते हैं, राइट, बट डाइजेस्टिव एंजाइम के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। डाइजेस्टिव एंजाइम में क्या होता है कि वो लोग ऑर्गेनिक मैटर जो रहता है उसको डिग्रेड कर देते हैं, मतलब तोड़ देते हैं उसको, और उसको प्रॉपरली डिस्ट्रॉय कर देते हैं, राइट, ठीक है, डाइजेस्ट कर देते हैं बेसिकली उसको। तो डाइजेस्टिव एंजाइम वो होते हैं, उसका भी फंक्शन देख लेते हैं हम लोग। लाइसोजोम का क्या है कि इम्यून सिस्टम, इट डिस्ट्रॉय द वायरस एंड बैक्टीरिया दैट अटैक द सेल। तो ये इम्यून सिस्टम में रोल प्ले करता है, क्या करता है, ये वायरस और जो बैक्टीरियाज अटैक करते हैं सेल को, ठीक है, उनको ये डिस्ट्रॉय कर देता है। देन डिमोलेशन स्क्वाड, इसको डिमोलेशन स्क्वाड बोलते हैं बेसिकली, क्या है करता है, इट इज़ इज डिस्ट्रॉयड वॉर्न आउट सेलुलर ऑर्गेनल एंड ऑर्गेनिक डबरीज। ऑटोलाइसिस करता है बेसिकली, कि जो सेलुलर ऑर्गेनल्स है जो काम नहीं कर रहे हैं अभी, राइट, और ऑर्गेनिक डबरीज है जो सेल का मेटाबॉलिज्म होता है, और डबरीज जो रहते थे मतलब जो प्रेजेंट रहते हैं वेस्ट चीज़ बेसिकली डबरीज मतलब, ठीक है, तो उनको ये ब्रेक डाउन कर देता है, हाइड्रोलिसिस कर देता है उनका। इसको सुसाइड बैग भी बोलते हैं। व्हेन अ सेल बिकम ओल्ड और इज डैमेज, लाइसोजोम बस्ट एंड द एंजाइम डाइजेस्ट देयर ओन सेल। तो अगर सेल ओल्ड हो गया, राइट, अभी कोई चीज़ ओल्ड हो गई, ख़राब हो गई, मतलब उसका टाइम ख़त्म हो गया, राइट, ओल्ड हो गई है, वो डैमेज हो गई है कहीं से, किसी वायरस ने उसको अटैक कर दिया, उसके ऊपर बैक्टीरिया ने किसी ने अटैक कर दिया, अब सेल की कैपेबिलिटी नहीं है डिवाइड होने की या कुछ भी प्रोटीन बनाने की, तो लाइसोजोम जो रहता है उनके अंदर वो बस्ट हो जाएगा और क्या करेगा, एंजाइम्स रिलीज करेगा। तो वो जो अब एंजाइम रिलीज करेगा तो वो खुद के सेल को डिग्रेड कर देगा, मार देगा, ठीक है, डाइजेस्ट कर देगा खुद के सेल को ही। उसके बाद में हमारा फोर्थ पॉइंट है, ड्यूरिंग स्टारवेशन लाइजोजोम्स डाइजेस्ट स्टोर प्रोटीन फैट्स। तो तभी हम लोग भूखे रहते हैं, राइट, जब स्टारवेशन होगी, अगर नवरात्रि वगैरह हो गया या ईद वगैरह का जो उपास रहते हैं, हम लोग फास्ट रखते हैं, उसमें स्टारवेशन मिलकर खा नहीं रहे, खा पी नहीं रहे, या खाने का हम लोग को न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा है हम लोगों को, तो क्या करता है, वो जो हमारे बॉडी में प्रेजेंट रहते हैं फैट्स हो गया, प्रोटीन्स रह गया, वो लाइसोजोम क्या करता है, उसको डाइजेस्ट करता है स्टोर प्रोटीन को, ठीक है, जो स्टोर प्रोटीन प्रेजेंट रहते हैं और हमारी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करता है, उसको जब ब्रेक डाउन करेगा तो हमें एनर्जी मिलेगी, ठीक है। अभी हम लोग माइटोकॉन्ड्रिया, ये आप लिख के ले लो कि आपको एग्ज़ाम में आने ही वाला है, 4 मार्क के लिए, 5 मार्क के लिए, तो इसको अच्छे से पढ़ना है माइटोकॉन्ड्रिया का। माइटोकॉन्ड्रिया का एक वीडियो मेरा पहले से पढ़ा है वो यूट्यूब पे, आप उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आई बटन पे भी मिल जाएगा, वहाँ पे आप जाके चेक कर सकते हैं, और यहाँ पे तो हम पढ़ा ही रहे हैं, ठीक है। तो अभी हम लोग देखते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया क्या है। तो ईच सेल रिक्वायर्ड एनर्जी, ठीक है, हर एक सेल को एनर्जी चाहिए, एंड दिस एनर्जी इज प्रोड्यूस बाय द माइटोकॉन्ड्रिया। अब देखिए, कोई भी सेल सेल जो है, सेल को कोई भी टास्क करने के लिए, या हम लोग एग्जांपल ले लेते, किसी भी ह्यूमन को कुछ टास्क करने के लिए, या किसी भी नॉन लिविंग थिंग जैसे कि हमको बल्ब जलाना है, राइट, तो उसको भी एनर्जी चाहिए, राइट, तो हम लोग को सॉकेट में डालना पड़ेगा प्लग और ऑन करना पड़ेगा, एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी उसको। वैसे ही ह्यूमन में हमको फूड खाना पड़ेगा, राइट, एनर्जी प्रोवाइड करनी है, वैसे ही सेल को जो एनर्जी प्रोवाइड करता है वो है माइटोकॉन्ड्रिया, और कौन से फॉर्म में करता है, एटीपी के फॉर्म में वो एनर्जी प्रोवाइड करता है। तो अंडर द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप ए माइटोकॉन्ड्रिया इज सीन एज अ डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर। अब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में हम लोग अगर उसको देखेंगे तो वो कैसा दिखेगा, हमारा डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर दिखेगा, ठीक है। ये देखिए, इनर मेम्ब्रेन है, ये वाला पार्ट जो है इनर मेम्ब्रेन, और ये आउटर मेम्ब्रेन, ठीक है, डबल मेम्ब्रेन मतलब दो, एक इनर मेम्ब्रेन रहेगा और एक आउटर मेम्ब्रेन रहेगा, ठीक है। अभी द आउटर मेम्ब्रेन इज पोरस एंड द इनर मेम्ब्रेन इज डीपली फोल्डेड। तो अभी देखिए, आउटर मेम्ब्रेन है ये जो, ये देखिए, ये देखिए आउटर मेम्ब्रेन, ये पोरस है, ठीक है, और ये इनर मेम्ब्रेन है जो देखिए फोल्डेड है ना, राइट, देखिए फोल्डेड है ये, ऐसे ऐसे फोल्डेड है ये, है ना, ये फोल्डेड है ऐसा, ये तो इनर मेम्ब्रेन जो है फोल्डेड रहता है डीपली, और आउटर मेम्ब्रेन जो है वो पोरस रहता है। दिस फोल्ड्स आर कॉल्ड क्रिस्टे, ठीक है, ये फोल्ड्स को हम लोग क्या बोलते हैं,
क्रिस्टेई। द इनर कैविटी इज फिल्ड विद द प्रोटीनियस जेल लाइक मैट्रिक्स कंटेनिंग राइबोसोम फॉस्फेट ग्रैनुल्स एंड डीएनए। जो इनर कैविटी रहती है वो क्या कंटेन करती है, बेसिकली क्या कंटेन करती है मैट्रिक्स, जेल लाइक मैट्रिक्स कंटेन करती है जो कि है राइबोसोम फॉस्फेट ग्रैनुल्स और डीएनए, ठीक है। देयर फोर इट कैन प्रोड्यूस इट्स ओन प्रोटीन। अब इसके पास डीएनए खुद का रहता है, राइबोसोम है इसके पास में, फॉस्फेट ग्रैनुल्स है, राइट, तो ये खुद के प्रोटीन्स बना सकता है, ठीक है। विच विद द हेल्प ऑफ एंजाइम माइटोकॉन्ड्रिया ऑक्सीडाइज कार्बोहाइड्रेट एंड फैट्स इन द सेल। अब इसके पास एंजाइम्स प्रेजेंट है, राइट, तो ये क्या करता है, कार्बोहाइड्रेट फैट्स को ऑक्सीडाइज करता है इन द सेल्स। द एनर्जी इज रिलीज इन दिस प्रोसेस। अब ये जब ये ऑक्सीडाइज करेगा कार्बोहाइड्रेट को, फैट्स को, तो इस प्रोसेस से है एनर्जी रिलीज होगी, ठीक है, एनर्जी रिलीज हो गई एंड स्टोर इन द माइटोकॉन्ड्रिया। अब ये जब एनर्जी रिलीज होगी ये स्टोर होगी माइटोकॉन्ड्रिया इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उसको आप अच्छे से याद करके रखिए कि हमें जो माइटोकॉन्ड्रिया प्रोवाइड करता है एनर्जी कौन से फॉर्म में करता है, एटीपी के फॉर्म में ये हमें प्रोवाइड करता है। और एटीपी का फुल फॉर्म है एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। एटीपी इज द एनर्जी करेंसी सेल करेंसी ऑफ द सेल, ठीक है। जैसे हमें पैसा इंपॉर्टेंट है वैसा माइटोकॉन्ड्रिया को और हमारी बॉडी को एटीपी इंपॉर्टेंट है, तो वो हमें कौन प्रोवाइड करता है, माइटोकॉन्ड्रिया प्रोवाइड करता है। प्लांट सेल्स हैव लेस माइटोकॉन्ड्रिया देन एनिमल सेल। अभी जो इसमें बोला है कि प्लांट सेल के पास जो है कम माइटोकॉन्ड्रिया रहते हैं एज कम्पेयर टू एनिमल सेल, ठीक है। तो बेसिक सा पॉइंट है, लेकिन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है यहाँ से लेके आप लोगों को ये पूरा पढ़ना है आपको, ये पूरा जो पैराग्राफ है ये बहुत इंपॉर्टेंट और ये प्रॉपर ये पूछेगा ही पूछेगा एग्जाम में, ठीक है। ये फेवरेट क्वेश्चन है मैम लोगों का और ये आगे जाके भी बहुत काम आने वाला है, तो इसको आप याद कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद में अभी इसका फंक्शन देख लेते हैं हम लोग। टू प्रोड्यूस एनर्जी रिच कंपाउंड लाइक एटीपी, ठीक है, एनर्जी रिच कंपाउंड प्रोड्यूस करता है जो कि एटीपी। एटीपी का फुल फॉर्म क्या है, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, ये याद रखना है आप लोगों को। उसके बाद में सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन्स कार्बोहाइड्रेट्स लिपिड एक्सेट्रा बाय यूजिंग द एनर्जी इन एटीपी। अभी सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन करता है, कार्बोहाइड्रेट करता है, ठीक है, ये भी इम्पॉर्टेंट है। अभी इसमें क्या बोला है कि सेकेंड है अभी हमारा ये है वैक्यूल्स, राइट। तो वैक्यूल्स बेसिकली क्या होता है कि स्टोरेज के लिए काम में आता है, ठीक है, तो हम लोग पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। वैक्यूल्स जो है, वैक्यूल्स आर द स्टोरेज सैक फॉर द सॉलिड और लिक्विड कंटेंट, ठीक है। तो ये क्या करता है, स्टोरेज कैसा काम में आता है, स्टोरेज रूम जैसा होता है ना वो आप लोगों के घर में होता है, ठीक है, तो उसको हम लोग बेसिकली सेल के अंदर जब रहेगा तो उसको हम लोग बोलेंगे वैक्यूल्स, राइट। तो ये सॉलिड चीज़ है, सॉलिड सब्सटेंस या लिक्विड कंटेंट को स्टोर करता है। दे डोंट हैव एनी टिपिकल शेप और साइज, इनका कोई टिपिकल शेप और साइज नहीं रहता है, ठीक है, वेरी करता है, डिपेंड करता है सेल टू सेल और प्लांट सेल टू एनिमल सेल, राइट, पर्सन टू पर्सन, ठीक है, स्पीसीज टू स्पीसीज, राइट, तो ये वेरी करता है। देन द स्ट्रक्चर ऑफ द वैक्यूल्स चेंज अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ द सेल। क्या बोला है इसमें कि स्ट्रक्चर कैसा चेंज होता है, नीड ऑफ द सेल, अलग अलग सेल के पास अलग अलग टाइप का वैक्यूल्स रहेगा। वैक्यूल्स इज बाउंड बाय सिंगल मेम्ब्रेन, ये जो है वैक्यूल्स बाउंड होता है सिंगल मेम्ब्रेन से, ठीक है, ये हो गया वैक्यूल्स। अभी फंक्शन पढ़ लेते हैं, ये भी पूछ सकता है आपको एग्जाम में, वैक्यूल्स के बारे में भी आपको पूछ सकता है। टू मेंटेन द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ द सेल, इसका फंक्शन क्या है, पहला फंक्शन ये मेंटेन करता है ऑस्मोटिक प्रेशर को। उसके बाद में सेकंड पॉइंट क्या है हमारा कि टू स्टोर द मेटाबॉलिक बाय प्रोडक्ट एंड एंड प्रोडक्ट। अब मेटाबॉलिक बाय प्रोडक्ट क्या, जो हमारे बॉडी में सिंथेसिस हो रही है इंसुलिन और चीज़ों की, ठीक है, ग्लूकोज की ये और एटीपी, ये सब चीज़ों को स्टोर, एटीपी को नहीं जनरली, ग्लूकोज को, ये सब चीज़ों को स्टोर करता है। एड प्रोडक्ट जो भी होता है, बाय प्रोडक्ट जो भी होता है, जैसे कि ग्लाइकोजन प्रोटीन वाटर, ये सब चीज़ों को ये स्टोर करने के लिए काम में आता है, ठीक है। इन एनिमल सेल दे स्टोर वेस्ट प्रोडक्ट एंड फूड। अभी एनिमल सेल में लोग वेस्ट प्रोडक्ट को स्टोर करते हैं और फूड को स्टोर करते हैं,
ये इसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ, वेस्ट प्रोडक्ट और फूड को ये लोग स्टोर करते हैं। एंड वाई इन एमीबा इट स्टोर फूड बिफोर डाइजेशन, ठीक है। उसके बाद में इन प्लांट सेल वैक्यूल्स आर फुल्ड और सेल सैप एंड प्रोवाइड टर्गिडिटी रिजिडिटी टू दैम। तो ये प्लांट सेल में क्या करता है, टर्गिडिटी मतलब उसको रिजिड बनाता है एकदम प्रॉपर, टर्गिडिटी और रिजिडिटी उसको पूरा प्रॉपर रिजिड कर देता है, ठीक है। तो ये हेल्प करता है एज अ सेल को, ठीक है। अभी प्लास्टिड के बारे में पढ़ेंगे। प्लास्टिड जो है, वाई आर प्लांट्स लीव ग्रीन एंड फ्लावर, वाई आर प्लांट्स लीव ग्रीन एंड फ्लावर रेड येल्लो ऑरेंज और ब्लू। तो आपने ये सोचा होगा कि हर फ्लावर जो रहते हैं ग्रीन कलर के रहते हैं, रेड कलर के, येल्लो कलर के, ऑरेंज कलर के, ठीक है। लीव्स जो रहती है वो सब, तो लीव तो बेसिकली ग्रीन रहती है, फ्लावर्स जो है वो अलग अलग टाइप के रहते हैं। लेकिन अभी आजकल के लीव्स भी जेनेटिक मॉडिफाई सब चीज़ हो रही है, इंजीनियरिंग हो रही है, तो उसमें लीव्स के कलर भी चेंजेस हो रहे हैं और बहुत सारे जो है उनके लीव्स भी अलग अलग रहते हैं, राइट। तो इसमें क्या होता है कि द ऑर्गेनल विच गिव कलर, विच गिव सच कलर इज प्रेजेंट ओनली इन प्लांट सेल, इट इज कॉल्ड प्लास्टिड। प्लास्टिड हैव डर्मेबल मेम्ब्रेन एंड आर टू टाइप्स। तो जो कलर वगैरह देने के लिए इम्पोर्टेंट फैक्टर है वो है प्लास्टिड, राइट। तो प्लास्टिड के दो डबल मेम्ब्रेन रहता है बेसिकली और इसके टू टाइप्स रहते हैं, ठीक है। इतना ही दिया है, दिया है आगे, दिया है, दिया है। तो अभी हम लोग देख लेते हैं कि कलर ऑफ द प्लांट, ठीक है, और पिगमेंट्स। पिगमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल करता है, ठीक है, प्लांट को कलर देने के लिए। तो ग्रीन कलर का ख्याल कौन देता है, लीव्स को, जैसे कि लीव्स हमारा जो रहता है ग्रीन कलर का रहता है, राइट, ग्रीन कलर का रहता है। तो कौन सा पिगमेंट रहता है उसके लिए, क्लोरोफिल रहता है, ठीक है। अभी ऑरेंज, ऑरेंज के लिए कैरोटीन रहता है, ठीक है, ऑरेंज के लिए कैरोटीन हो गया। उसके बाद में येल्लो, येल्लो के लिए जेंथोफिल रहता है। ब्लू और पर्पल के लिए एंथ्रोसाइनिन रहता है। डार्क पिंक के लिए एग्जांपल बीट रूट हो गया, उसके लिए बीटालिन रहता है, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद में अभी दो टाइप के हम लोगों देखा था कि प्लांट सीड होते हैं, ठीक है। तो पहला है ल्यूकोप्लास्ट, दूसरा है क्रोमोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट जो रहता है वाइट और कलरलेस प्लास्टिड है, राइट। उसके बाद में दूसरा जो है क्रोमोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट जो होता है कलर्ड प्लास्टिड रहता है, ठीक है। अभी क्लोरोप्लास्ट कैन गेट कन्वर्टेड इनटू अदर टाइप्स ऑफ क्रोमोप्लास्ट, ठीक है। एग्जांपल रॉ ग्रीन टोमेटो टर्न्स रेड ड्यू टू द ब्रेकडाउन ऑफ क्लोरोफिल एंड सिंथेसिस ऑफ लाइकोपिन। अभी जो क्लोरोप्लास्ट जो होता है कन्वर्ट होता है अदर टाइप ऑफ क्रोमोप्लास्ट, ठीक है। जैसे कि अभी रॉ टोमेटो देखोगे, कच्चा टोमेटो बोलते हैं हम लोग, ठीक है, ग्रीन कलर का रहता है, ठीक है। लेकिन उसका जो क्लोरोफिल होता है वो ग्रीन कलर, हमारा हमने यहाँ देखा था कि ग्रीन कलर जो है क्लोरोफिल देता है, ठीक है। अब लेकिन वो क्या होता है, जैसे जैसे वो मैच्योर होता है उसका जो क्लोरोफिल है वो ब्रेक डाउन होता है और सिंथेसिस होता है किसका, लाइकोपिन का। लाइकोपिन जो है वो रेड कलर देता है, राइट। तो ये प्रोसेस है उसका, ब्रेक डाउन होता है पिगमेंट, फिर दूसरा पिगमेंट सिंथेसिस होता है, उसकी वजह से कलर चेंजेस होते हैं। तो ये होगा हमारा प्लास्टिड के बारे में। अब हम देखेंगे क्लोरोप्लास्ट के बारे में। क्लोरोप्लास्ट भी इम्पोर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है क्लोरोप्लास्ट, ये भी एग्जाम में आ सकता है। माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आपको पढ़ के जाना ही पड़ेगा, इम्पोर्टेंट, ठीक है। तो अभी एक्टिविटी दिया है बेसिकली क्लोरोप्लास्ट का कि टेक आउट अ थिन पील ऑफ रियो और लीव कोई भी इसका प्लांट का एंड ऑब्जर्व द क्रोमोप्लास्ट अंदर द कंपाउंड माइक्रोस्कोप। तो ये आप नॉर्मली अभी तो कर नहीं पाओगे क्योंकि हमारा स्कूल में इतना सब इक्विपमेंट्स रहता नहीं, अगर रहता है तो बहुत वेल एंड गुड है, बहुत अच्छा है, मैम को आप बोलिए, मैम आपको कराएगी, ठीक है। तो आप क्लोरोप्लास्ट के बारे में पढ़ लेते हैं कि क्लोरोप्लास्ट आर इम्पॉर्टेंट फॉर द फोटोसिंथेसिस प्रोसेस दैट टेक प्लेस इन द लीव्स। क्लोरोप्लास्ट जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, उसमें क्या होता है बेसिकली कि फोटोसिंथेसिस प्रोसेस जो होती है वो टेक प्लेस करता है कि क्लोरोप्लास्ट की वजह से ही होता है, ठीक है। तो क्लोरोफिल इन क्लोरोप्लास्ट ट्रैप सोलार एनर्जी एंड कन्वर्ट इट इनटू केमिकल एनर्जी, ठीक है। अभी देखिए आप फोटोसिंथेसिस कैसे होता है,
लीव्स रहती है, सन रेज उसमें पड़ती है, ठीक है। फिर सोलर एनर्जी जो कन्वर्ट होती है उसको, जैसे ही उस पर पड़ेगी लीव्स पे तो वो सेल लीव्स के अंदर जाएगी, राइट। तो वो सोलर एनर्जी कन्वर्ट हो जाएगी केमिकल एनर्जी में। बहुत सारी मेटाबॉलिक प्रोसेस होती है उसके लिए, बहुत सारी प्रोसेसेस के थ्रू जाना पड़ता है। वो आपको आगे इन फ्यूचर में बहुत लंबा प्रोसेस रहने वाला है फोटोसिंथेसिस का, तो वो आप बाद में पढ़ेंगे। लेकिन आपको अभी सिर्फ इतना लिखना है कि सोलार एनर्जी ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ से क्लोरोफिल ना क्लोरोप्लास्ट ट्रैप सोलार एनर्जी एंड कन्वर्ट इट इंटू केमिकल एनर्जी, केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है सोलार एनर्जी को, ठीक है। स्ट्रोमा इन द क्लोरोप्लास्ट कंटेन एंजाइम डीएनए राइबोसोम एंड कार्बोहाइड्रेट दैट आर नेसेसरी फॉर द फोटोसिंथेसिस। अब ये देखिए यहाँ पे स्ट्रोमा है ना, राइट, स्ट्रोमा। तो ये बहुत सारे एंजाइम कंटेन करता है, डीएनए राइबोसोम कार्बोहाइड्रेट, जो कि नेसेसरी होता है फोटोसिंथेसिस के लिए, राइट। और इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस है ये थैलाकॉइड है ये, ठीक है। स्ट्रोमा है ये, आउटर मेम्ब्रेन है ये, इनर मेम्ब्रेन है ये, अंदर का पार्ट ग्रैनम है ये, ठीक है। तो आपको अगर किसी चीज़ का फंक्शन बोला है या स्ट्रक्चर बोला है, राइट, तो डायग्राम प्लीज करके जाइए। डायग्राम अगर बनाते हैं तो आपको पहली बात तो क्या होता है कि पॉइंट्स याद रहते हैं, ठीक है, डायग्राम को देख के। दूसरा, एग्जामिनर भी खुश होता है, राइट, कि उसको, चलो उसको ऐसा लगता है कि बच्चे को एटलीस्ट उसका डायग्राम किया है अच्छे से प्रॉपर। अगर आपने अगर डायग्राम स्ट्रक्चर बोला है आपको, ठीक है, स्ट्रक्चर एक्सप्लेन करना है, डायग्राम बनाया आपने, चार पांच पॉइंट लिख दिया उसके बारे में, फंक्शन लिख दिया दो, बस पूरा मार्क्स मिल जाएंगे आपको, ठीक है। तो आपको ये ध्यान देना है, ठीक है। उसके बाद में फंक्शन देख लेते हैं हम लोग। क्लोरोप्लास्ट क्या करता है, कन्वर्ट सोलार एनर्जी टू केमिकल एनर्जी, राइट। केमिकल सोलार एनर्जी को एक केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, जैसे कि फूड। क्रोमोप्लास्ट गिव डिफरेंट कलर टू द फ्लावर्स एंड फ्रूट्स। भी क्रोमोप्लास्ट क्या होता है कि ये डिफरेंट कलर देता है किसको, फ्लावर्स को, फ्रूट्स को, ठीक है। ल्यूकोप्लास्ट क्या करता है, ल्यूकोप्लास्ट आर इन्वॉल्व इन द सिंथेसिस एंड स्टोरेज ऑफ फूड। ल्यूकोप्लास्ट क्या करता है, इन्वॉल्व होता है सिंथेसिस एंड स्टोरेज ऑफ फूड, स्टोरेज के लिए और सिंथेसिस के लिए फूड के, लाइक स्टार्च हो गया, ऑयल हो गया, प्रोटीन्स हो गया, ठीक है, ठीक है, समझा आपको ये चीज़ इतना। उसके बाद में माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्लास्टिड कैन प्रोड्यूस प्रोटीन एज वेल एज रेप्लीकेट दैम एज दे हैव देयर ओन डीएनए एंड राइबोसोम। अभी माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड में जो होता है उनके पास में खुद का उनका डीएनए और राइबोसोम रहता है, ठीक है। तो लोग खुद का ये प्रोटीन्स वगैरह जो चीज़ें उनको चाहिए वो खुद बना सकते हैं, ठीक है। तो ये दो चीज़ आपको अच्छे से पढ़ना है, आपको मैं बार बार बोल रहा हूँ, माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड क्लोरोप्लास्ट के बारे में, ठीक है। उसके बाद में ये क्या बोला है कि आफ्टर स्टडिंग द सेल एंड सेल ऑर्गेनल यू मस्ट हैव नोन टू नो दैट ऑल द फंक्शन इन प्लांट्स एंड एनिमल आर टेकिंग प्लेस स्मूथली ड्यू टू द सेल ऑर्गेनल्स। सच सेल डेवलप सेल आर कॉल्ड यूकैरियोटिक सेल, ठीक है। तो इसमें यही बोला है कि सेल एंड सेल ऑर्गेनल्स कितने इंपॉर्टेंट हैं, हमारा सेल के अंदर जितना भी प्रोसेस हो रहा है, मेटाबॉलिक प्रोसेस जो भी चीज़ें हो रही है वो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर रोल प्ले करता है सेल ऑर्गेनल उसके अंदर, ठीक है। तो बस वही दिया है इसके अंदर, ठीक है। अभी आगे देख लेते हैं, ये लास्ट पार्ट है यूकैरियोटिक सेल और प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में। तो यूकैरियोटिक जो होता है हायर एनिमल्स मतलब मैमल्स वगैरह में होता है, ठीक है, और प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया सिंगल सेल वाले जो रहते हैं उनके अंदर होता है, ठीक है, लोअर इसमें रहता है। तो अभी इसका साइज देख लेते हैं, साइज जो रहता है 5 to 100 माइक्रोमीटर के उतना होता है, और वन और प्रोकैरियोटिक में 1 to 100 माइक्रोमीटर का होता है। ये पूछ सकता है आपको, दो चार पांच पॉइंट है तो फिर 3 मार्क्स के लिए या 2 मार्क्स के लिए यूकैरियोटिक सेल और प्रोकैरियोटिक सेल्स पूछ सकता है। तो इसको आप अच्छे से पढ़ लीजिए, ध्यान दीजिए इधर पे। तो देखिए इसमें क्या होता है कि यूकैरियोटिक में होता है नंबर ऑफ क्रोमोसोम मोर देन वन। अब इसके अंदर जो क्रोमोसोम का जो नंबर रहता है वो मोर देन वन होता है, ठीक है। लेकिन प्रोकैरियोट में सिंगल सेल है, राइट, ये तो इसमें ओनली वन, एक ही क्रोमोसोम रहेगा इसके अंदर, ठीक है, एक ही ये रहेगा, एक ही नंबर, मोर उससे ज़्यादा नहीं रहेगा। फिर न्यूक्लियस विथ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन न्यूक्लियस एंड न्यूक्लियोप्लाज्म, ये सब इसके अंदर रहेगा, न्यूक्लियस के अंदर, ठीक है। न्यूक्लॉइड्स रिसेम्बलिंग न्यूक्लियस, ठीक
ठीक है, इसके अंदर ज़्यादा कुछ मटेरियल नहीं रहेगा, सिंपल है। एक बार इनका जनरेशन टाइम ही इतना कम, 30 मिनट, 30 मिनट में ग्रो करके डेड हो जाते हैं, ऐसा ऐसा इनका जनरेशन टाइम रहता है, ठीक है। फिर माइटोकॉन्ड्रिया एंड ब्लास्टिस प्रेजेंट रहता है इनके पास, नहीं रहता, दे डोंट हैव मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल, मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स नहीं रहते इनके पास में। एग्जाम्पल, प्रेजेंट इन हाईली इवॉल्व यूनिसेलुलर एंड मल्टी सेलुलर प्लांट एंड एनिमल। हाईली इवॉल्व जो यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर प्लांट्स एनिमल है उनके में ही एक्योरिटिक सेल प्रेजेंट रहता है, ये बैक्टीरिया में प्रेजेंट रहता है प्रोकैरियोटिक सेल्स। अभी आप इसको देख रहे होगे, बोल रहे होगे कि प्रोकैरियोटिक तो कुछ काम का ही नहीं है, लेकिन आपको इन फ्यूचर पता चलेगा जब हम जेनेटिक इंजीनियरिंग करते तो हमें ये सेल्स की ही ज़रूरत लगती है, प्रोकैरियोटिक सेल्स की, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा जो चैप्टर है वो ख़त्म होता है, और इसकी एक्सरसाइज नेक्स्ट वीडियो में मैंने डाल दी, आप जाके यूट्यूब पे देख सकते हो, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, पूरा सब चीज़ मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया है इसको, अच्छे से एकदम नीटली हिंदी में सब चीज़। तो आप, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जाके उसको देख लीजिए, ठीक है। तो बस यहीं पे ख़त्म कर, आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा है। अगर अच्छा लगा है वीडियो को तो चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए ताकि उनको भी समझ में आ जाए अच्छे से। नॉलेज आप शेयर करेंगे, शेयर करने से नॉलेज बढ़ता है, ठीक है। अपने दोस्तों को आप एक्सप्लेन कीजिए या वीडियो का लिंक उनको शेयर कर दीजिए, ठीक है। और नेक्स्ट वीडियो भी मेरा देख लीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जिसमें मैंने पूरा सॉल्व किया है ये एक्सरसाइज को, जितने भी क्वेश्चंस वगैरह हैं सब, जो टेक्स्ट बुक के पीछे जो के जो क्वेश्चंस हैं वो सब सॉल्व किया है उसके अंदर, और प्लस आपको नोट्स भी मिल जाएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा नोट्स का, ठीक है। तो आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे हम, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।